हेलो दोस्तों, स्वागत है सीएलसी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इनऑर्गेनिक की लास्ट गुरुनीति है सर। बिल्कुल सर, साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, पूरी इनऑर्गेनिक इस टॉपिक में रिपीट होती है। मेरा इंट्रो ऑलरेडी सभी जान ही चुके होंगे, तो आरसी देवाल और मेरे साथ है सर नवरतन। सर नवरतन जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल सर। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following cation will form an insoluble chocolate brown compound with FeCN6-4? आपको कौन सा cation जो है वो FeCN6-4 के साथ पर रिएक्शन करके insoluble chocolate भूरे रंग का यौगिक निर्माण करता है? ये compound जो है coordination compound भी, हाँ उसमें पढ़ते हैं, application भी है, बहुत important है, applications में भी आता है। coordination compound का application भी है और salt analysis में Cu+2 का specific test है। बिल्कुल, और IUPAC name भी जो compound का बनने वाला वो भी important है, वो भी important है। तो ये आपको सीधा सा ये ध्यान रखना है कि चॉकलेट ब्राउन जो पीपीटी आ रही है ये टेस्ट है Cu+2 का। आप जब सॉल्ट एनालिसिस आप पढ़ते हो तो हम इस कंपाउंड का यूज में लेते हैं जो कि फेरोसाइनाइड है। इस फेरोसाइनाइड का हम यूज में लेते हैं कई आयंस के टेस्ट में, जैसे Zn+2 आयन का टेस्ट होता है, Cu+2 के लिए भी करते हैं, Fe+3 के लिए भी करते हैं, पुशन ब्लू, ट्रन बुलटन ब्लू, वो कलर वगैरह आते हैं। तो यहाँ ये आंसर इसका Cu+2 आने वाला है। Cu+2 का स्पेसिफिक टेस्ट है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, पता होना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? तो सर ये तो कैटायन हो ही गया। बिल्कुल सर। और इधर एनायन दिया हुआ है FeCN6 और ये माइनस है 4। तो एनायन और कैटायन के बीच में जो फॉर्मूला बनेगा ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये सब तो Cu4 हो गया और इधर हो गया FeCN6 का होल ट्वाइस। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में ले आए तो ये Cu2FeCN और ये 6। दिस इज चॉकलेट ब्राउन पीपीटी जो टेस्ट है Cu+2 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। ये इस टाइप से जो दो कंपाउंड बनते हैं फेरी फेरो और फेरो फेरी, इसमें कलर का जो कारण भी है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन जनरली गड़बड़ कर देते हैं, Fe के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं अपन। नहीं सर, ये तो हमने पिछले लेक्चर में बोला भी था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई रीजन नहीं होता कलर का, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ट्रांसफर स्पेक्ट्रम वहां पर, वहां हां, जो ये जो फेरी फेरो साइनाइड और फेरो फेरी साइनाइड है, प्रिसिशन ब्लू और टर्न बुल ब्लू है, वो दोनों ही कंपाउंड चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से शो करता है। और चार ट्रांसफर भी वहां होता है मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल, MMCT। बिल्कुल सर। ठीक है, तो यहां बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन, आपको रिएक्शन दे रखी है जैसे P+QR बन रहा है और एक प्रोडक्ट बन रहा है K2SO4, फिर इसमें बनने वाला जो R है वो दे रहा है अपने पर 2CuI+I2Ag++Q, ये वाला जो है ना रिएजेंट अपने यहाँ ले लिया रिएक्टेंट, और S और K+ बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन द इनकरेक्ट मैचेज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बताइए। तो देखो सर, ऐसे क्वेश्चन को बच्चे को जब भी करना होता है ना, तो सबसे पहले वो इस पैराग्राफ टाइप है, ये अपन को एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको हमें पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ से हम कहाँ से क्वेश्चन को कैच करें। तो यहाँ से ये कुछ कुछ रिएक्शन पकड़ में आ रही है कि Cu(I) और I(II), क्योंकि हमें पता है कि ये Cu(I)II रैपिडली कन्वर्ट हो जाता है Cu(I) और I(II) में। तो R मुझे पता चल रहा है कि R जो है वो Cu(I)II में। कैसे लगा कि Cu+2 और 2I-, I- क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर इसके साथ हमेशा +1 में एग्जिस्ट करता है। अदर और इंफॉर्मेशन देना चाहिए तो I- है, CN- है, SCN- है, ये तो हैलाइड आयन है, ये स्यूडो हैलाइड आयन है और ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं और इन तीनों के साथ Cu+2 हमेशा +1 में ही रहता है। ऐसा हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड किया था। तो यहां से पता लग रहा है कि Cu(I)II बना और Cu(I)II तुरंत कन्वर्ट हो गया Cu(I) और I(II) में, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब R हमें पता लग गया कि Cu(I)II है। तो P जो हमें पता लग रहा है वो PCuSO4 हो सकता है। बिल्कुल सर। और क्यों, क्योंकि यहां K2SO4 आ रहा है, ये हो सकता है अपने पास KI, तो 2KI रिएक्ट करेगा तो बनेगा Cu(I)II और +K2SO4 और ये जो Cu(I)II है इसको रिप्रेजेंट किया है R से, और Cu(I)II अनस्टेबल है, रैपिडली कन्वर्ट हो जाता है Cu(I) में, Cu(I) या फिर इसको हम ऐसे भी दिखा देते हैं Cu2I(II), ऐसे भी दिखा सकते हैं। और सर ये तो NCERT से बिलोंग है, डी ब्लॉक NCERT में इस कॉपर की दी हुई है। कॉपर वैसे तो जनरली +1 में स्टेबल होता है, बट एक तो एक्वस में +2 में स्टेबल हो जाता है, स्मॉल साइज और हाइड्रेशन इसकी काफी ज्यादा होती है। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये बना Cu(I) बन गया, ये हमें पता लग गया।
आर पता लग गया। अब बोल रहा है कि एजी प्लस का कोई आयन है, बिल्कुल सर एजी प्लस का कोई आयन है, और क्यों हमने अभी पता लगाया कि क्या है हमारा पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। इसकी रिएक्शन करवाई के आई से, तो सबको पता है कि क्या बनने वाला है, एजी आई की क्या बन जाती है, येलो पीपीटी आ जाता है, बिल्कुल सर। अब सर इसमें बेहतरीन बात क्या है कि सिल्वर के हैलाइड एक फ्लोरीन को छोड़ के जितने भी सिल्वर के हैलाइड है उन सब वो वाटर इनसोल्युबल होते हैं, बिल्कुल सर ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा सा अदर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये अमोनिया के अंदर भी सर अपन इनसोल्युबल होता है, वो अभी बात करते हैं। देखो एजी प्लस है ना सर, बिल्कुल सर, ये अगर आप एफ माइनस के साथ जाओगे ना तो ये एजी एफ जो होगा ना वो सोल्यूबल है, इसकी पीपीटी नहीं बनती, नहीं बनती। बट यदि आप Cl- के साथ लेके जाओगे तो AgCl की वाइट पीपीटी बनती है, Br- के साथ जाएगा तो AgBr की लाइट येलो या पेल येलो पीपीटी जिसको हम बोल देते हैं वो बन जाती है, येलो पीपीटी बन जाती है। और I- के साथ जो है वो AgI, हां जी सर, डार्क येलो पीपीटी बन जाती है। अब बात ये आती है कि AgCl की जो white PPT है ना वो soluble होती है aqueous NH3 में, बिल्कुल NH4OH भी अपन उसको हाँ, देख सकते हैं aqueous NH3 NH4OH हो गया, aqueous NH3 में soluble होगा, NaCl में soluble होगा, बिल्कुल सर aqueous NH3 में soluble हो सकता है, NaCl में soluble हो सकता है। ये तो सर आपने cyanide process बताई थी उस टाइम हाँ, उस टाइम भी बताई थी। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा AgCn का होल ट्वाइस जो कि सोल्युबल कॉम्प्लेक्स है माइनस, यहाँ बनेगा AgNH3 का होल ट्वाइस और प्लस ये सोल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो AgCl की वाइट पीपीटी एक्वस NH3 में भी सोल्युबल है और NaCn में भी सोल्युबल है। AgBr की पेल येलो पीपीटी जो है ना वो NaCn में तो क्या हो जाती है सोल्युबल हो जाती है, और ना ही ये एक्सेस के आई में सोल्युबल होता है, एक्सेस के आई में भी ये सोल्युबल नहीं होता है। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजीआई की येलो पीपीटी एक्सेस के आई में सोल्युबल नहीं होती है। जैसे यहां में अगर मैं एक्सेस HCl लेता हूं ना या एक्सेस KCl लेता हूं तो इसकी सोल्युबल हो जाती है, बट इसकी सोल्युबल नहीं होती, तो एक्सेस KI में भी सोल्युबल नहीं है। Ag दो रिएजेंट ऐसे हैं Ag2S और एक सर AgI, इन दो की पीपीटी को छोड़कर सिल्वर की कोई भी पीपीटी है ना वो है ना आराम से NaCl में और एक्वस NH3 में सोल्युबल हो जाती है। ये दोनों एक्वस NH3 में सोल्युबल नहीं होते बट NaCl में हो जाती है, हां NaCl में तो हुआ है सोल्युबल, NaCl में तो सब सोल्युबल हो जाते हैं, बिल्कुल सर। तो अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पे जाते हैं कि बोला है कि कौन सा अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन द इनकरेक्ट मैच हमसे पूछा है, बिल्कुल सर एक बार साफ कर लेते हैं, बिल्कुल सर एक साफ करने से पहले एक बात अपन वापस हाँ खाली लाओ इसको। ये सर आपने कोऑर्डिनेशन में आपने बताया था AgBr जैसे फोटोग्राफी के अंदर अपन हाइपो सॉल्यूशन अपन उसमें भी सोल्युबल हो जाते हैं, उसमें भी सोल्युबल हाइपो में सब सोल्युबल हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन द इनकरेक्ट मैच, तो पी हमारा CuSO4 है, ये सही है, बिल्कुल सही है, क्यू के आई है ये भी सही है, आर CuI2 है ये भी सही है, SKAGI2 नहीं है, ये नहीं है सर। ये तो तब बनता ना जब AGI आगे KI में क्या होता सोल्युबल होता तब जाके AGI2 बनता, बट ये तो सोल्युबल है ही नहीं ना, तो ये गलत इंफॉर्मेशन है, मतलब इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो फोर जाएगा। तो इसमें हमने सिल्वर के हैलाइड के बारे में बात की थी, अपने इंफॉर्मेशन दिए काफी काम आएगी बच्चों के। नेक्स्ट एक्स कंपाउंड डाइल्यूट H2SO4 के साथ में वाई गैस बना रहा है, फिर डाइल्यूट HNO3 अपन लेते हैं तो कोलोइडल सल्फर सोल बनता है अपने पास, तो अपने को आइडेंटिफाई करना अक्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी काफी मिलेगी बहुत। हाँ ये सर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि बच्चा उसको अच्छी तरह पता है कि वाई जो गैस है ना इनके साथ वो H2S है, डेफिनेटली H2S है उसको पता है, और H2S का डाइल्यूट HNO3 ने ऑक्सीडेशन किया तो कोलाइडल सल्फर की पीपीटी आ गई वाइट पीपीटी, तो ये तो पता लग गया कि H2S पर H2S देगा कौन,
वो ही ब्लैक पीपीटी H2S देगी जो इस डाइल्यूट H2SO4 में सोल्युबल होगी। तो सल्फर की पीपीटी की सोल्युबिलिटी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उसके मैं दो लाइन बोलता हूं सर कि आपने डाइल्यूट HCl लिया बिल्कुल या फिर डाइल्यूट H2SO4 दिया, ठीक है, ओनली FeS, ZnS और MnS की पीपीटी क्या होती है इसमें सोल्युबल होती है आउट ऑफ सल्फाइड। बिल्कुल सर, जितने सल्फाइड हैं उन सल्फाइड में केवल इन तीन सल्फाइड की पीपीटी डाइल्यूट H2SO4 में सोल्युबल होती है, इंपॉर्टेंट है। सर ये FeS वाली बात तो अपन जैसे कीप प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहां पे भी ब्लॉग में रिएक्शन करेंगे कि पास ऑपरेटर में H2S गैस बनाने का मेथड वही सेम आएगा। अब इसमें एक चीज और है सर, देखो ZnS वाइट है बिल्कुल सर और MnS बफ कलर का है, मास बोलते हैं मास जैसा होता है, मास याद रख सकते हैं इसको, और ZnS वाइट होता है। जितनी सल्फाइड की ब्लैक पीपीटी है उन ब्लैक पीपीटी में ओनली और ओनली FeS ब्लैक पीपीटी डाइल्यूट H2SO4 में सोल्युबल होती है। इस भाई मोस्ट ऑफ सल्फाइड ब्लैक कलर के होते हैं, ये तो फिर बहुत ही एक बच्चों का पॉइंट याद है, एकदम पॉइंट। हां, आउट ऑफ ऑल ब्लैक सल्फाइड, आउट ऑफ ऑल ब्लैक सल्फाइड ओनली FeS ब्लैक सल्फाइड सोल्युबल इन डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। तो देखो PbS भी सर ब्लैक होता है बिल्कुल सर, और FeS भी ब्लैक होता है बिल्कुल सर, NiS भी ब्लैक होता है और CuS भी ब्लैक होता है। तो हमारे पास चारों ही ब्लैक सल्फाइड है। तो अगर मेरी वो लाइन भी याद रखे ना बच्चा, तो भी क्वेश्चन पे अप्रोच कर सकता है कि आउट ऑफ ब्लैक सल्फाइड ओनली FeS सल्फाइड सोल्युबल इन डाइल्यूट H2SO4। तो यहां आंसर तो FeS आने वाला है। अब FeS ये हमारे पास प्रोसेस भी है डाइल्यूट H2SO4, जैसा अभी सर ने बोला कि पास ऑपरेटर्स में हम H2S बनाने का मेथड है, तो यहां H2S बन जाएगा और H2S डाइल्यूट HNO3 से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सल्फर की कोलाइडल सॉल्यूशन आ जाएगा सल्फर का। ये इसमें जो कोलाइडल वाला चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री उसके अंदर केमिकल प्रोसेसेस में भी सल्फर सॉल्व बनाने का मेथड ये दे रखा है, ठीक है सर। बिल्कुल सर। सर यहां पर अपन ये भी मेटल्स की भी बातें कर सकते हैं, मेटल डाइल्यूट H2SO4 के साथ में H2 देती है। हां, ये भी बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड करेगा। उसमें डाइल्यूट H2SO4 जो है वो कब नहीं देती है, डाइल्यूट HNO3 जो है वो कुछ के साथ में अपन जानते हैं N2 दे देता है, कुछ के साथ NO दे देता है, तो वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड करेगा। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H से ऊपर आते हैं उनके साथ डाइल्यूट HNO3 N2O देता है, और जो H से नीचे आते हैं उनके साथ डाइल्यूट HNO3 NO देता है। और सर कंसंट्रेट HNO3 के साथ हमेशा और हमेशा NO2 आएगी, मेटल हो, मेटलॉइड हो या नॉन मेटल हो, अगर रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीडाइजिंग HNO3 के साथ में रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पी ब्लॉक में सर दे भी रखी है। हाँ, दे भी रखी है ना। पी ब्लॉक में एक तो कॉपर की दे रखी है, कॉपर की और ZN की, एक ZN की दे रखी है। कॉपर की भी डाइल्यूट और कंसंट्रेशन के साथ, जिंक की भी डाइल्यूट और कंसंट्रेशन के साथ। तो कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H से नीचे आ गया, तो इसके साथ डाइल्यूट H2 के साथ NO NO आने वाली है, और ये ऊपर आ गया इसके साथ N2 आने वाली है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पॉइंट था इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑन स्ट्रॉन्गली हीटिंग अ ब्लू सॉल्ट लीव अ ब्लैक रेसिड्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन कैन बी प्रेजेंट इन द सॉल्ट। एक नीला लवण है जिसको बहुत ज्यादा गर्म करने पर काले रंग का अवशिष्ट देता है, इनमें से कौन सा कैटायन उपस्थित हो सकता है। जैसे सर ने बोला बहुत ज्यादा गर्म करने पर, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, बहुत अधिक गर्म करने पर। बस इसमें कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन क्यों दिया गया है, इसका एक सिंपल सा रीजन है। ब्लू सॉल्ट सबको पता होता है कि ब्लू सॉल्ट इसका होता है CuSO4 एक्वस को हम ब्लू सॉल्ट बोलते हैं, जिसको ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है। तो क्वेश्चन तो यहां से अप्रोचेबल है। अब इसको हीट करते हैं ना तो सर वाटर बाहर हो जाता है और बन जाता है एनहाइड्रस CuSO4, बनता है एनहाइड्रस CuSO4 जो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये कलर शो कर रहा था डीडी ट्रांजिशन की वाटर लिगेंड का काम कर रहा था, वाटर यहां लिगेंड था क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ये तो पूरा CuH2O4 और ये SO4 और ये H2O, तो यहां Cu आप ऐसे लिख सकते हो CuSO4 और ये 5H2O, दिस इज ब्लू विट्रोल। तो सर क्वेश्चन में क्या है कि ये जब हम इसको एक्वस में ले रहे थे तो वाटर यहां लिगेंड का काम कर रहा था, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई थी, डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो कर रहा था। जब इसको हीट किया तो सबसे पहले वाटर बाहर आया, जितने वाटर के मॉलिक्यूल थे क्रिस्टलाइन वाटर है लिगेंड के रूप में, वो सब बाहर आ गए, तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग खत्म हो गई बिल्कुल सर, तो डीडी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तो कलर इसका गायब हो गया, ये ब्लू से क्या हो गया व्हाइट, यही लिखा है एनहाइड्रस। बट क्वेश्चन में हमें पूछा है बहुत अधिक गर्म करने पर और काले रंग का अवशिष्ट देता है। तो सर सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ते हैं, सल्फेट्स को आगे और फर्दर हीट करेंगे तो हमें मिलेगा CU2O और SO3 बिल्कुल सर।
ऑक्साइड तक जाएगा। हाँ CuO मिल जाएगा और यहाँ प्लस टू का है तो प्लस टू का मिलेगा और साइड में SO किया जाएगा। अब कॉपर का ऑक्साइड जो है ना वो ब्लैक कलर का होता है, कॉपर का ऑक्साइड जो है वो ब्लैक, कॉपर खुद ब्राउनिश कलर का होता है, जब एयर में बर्न होता है तो CuO बनता है ब्लैक कलर का। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में लाएंगे सर, तो एनसीईआरटी तो कहीं से भी आ सकती है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन भी अगर बच्चे अगर ढंग से पूरा कवर करते हैं तो ये बातें उसमें भी सारी इंक्लूड। सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन सबको पता है SO3 बनता है और ये CuO बनता है। SO3 और SO2 भी टेंपरेचर जोन, उसमें अपने को विशेष ध्यान रखने पड़ते हैं। वो कोई 800 से ज्यादा ले गए तो SO3 भी टूट जाएगी, SO2 और हाफ O2 में ब्रेक हो जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, बस इसी बात पे ध्यान देना था, बहुत अधिक गर्म करने पर जो ऑक्साइड बनता है कॉपर का वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो आंसर थर्ड बिल्कुल सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ KI रिएक्ट विद CuSO4। KI का अपन एक्सेस ले रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ में, सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और इसमें Na2S2O3 सॉल्यूशन इज एडेड टू इट, अपन इसमें सोडियम थायोसल्फेट अपन इसमें ऐड कर देते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के टर्म्स में एक क्वेश्चन है सर, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये जैसे अभी हमने बात की थी उसी कंसेप्ट पे बेस है, जैसे ये CuSO4 दिया है और KI एक्सेस में दिया है, तो सबसे पहले रिएक्शन होगी तो 2 मोल इसकी रिएक्ट करेंगे, K2SO4 बनेगा सर, बिल्कुल सर, और CuI2 बनेगा, ये CuI2 बनेगा और रैपिडली डिकम्पोज हो जाएगा किस CuI और ये I2 में। अब सर इसमें ध्यान देने बात वाली ये है कि CuI की PPT बन गई, वाइस PPT आ गई, I2 बन गया, बट हमें एक्सेस में KI दिया हुआ है, बिल्कुल सर, तो KI अगर इससे रिएक्ट करता है तो एक्सेस KI में CuI की PPT सोल्युबल हो जाती है। अभी आपको बताया था, अभी ये बताया था, और बन जाएगा K3CuI4। ध्यान दे मैंने CU को +1 में ही रखा है I के साथ और ये आ गया सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। ये सर फिर से वही आप वाली इंपॉर्टेंट बात आ रही है, SCNI माइनस उन तीनों के साथ CU+1। अब यहाँ पे ये I2 है ना, ये भी सर KI के साथ रिएक्ट कर सकता है और बनाएगा KI3। I3 माइनस इसमें, हाँ, और ये हाँ ब्राउनिश ब्लैक PPT होती है सर इसकी, ब्राउनिश ब्लैक PPT होती है, तो यहाँ ये वाइट है, बिल्कुल सर, और इसके साथ ये इसमें चला गया तो इसका कलर तो नजर आएगा नहीं, बिल्कुल हमें इसका कलर नजर आएगा जब मैं इसमें हाइपो डालता हूँ, हाइपो सॉल्यूशन। हाँ भाई, इसके इसके कारण इसकी व्हाइट पीपीटी नजर नहीं आ रही है, कलर इसका आ रहा है, ब्राउनिश ब्लैक पीपीटी आ रही है हमारे पास। तो जैसे ही मैं इसमें हाइपो डालता हूं Na2S2O3, तो हमें पता है I2 को I- में रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये यहां जो I जितना I2 है ये I2 है, ये तुरंत किस में चला जाएगा, I- में चला जाएगा और ये खुद किस में चला जाएगा, Na4S4O6 सोडियम टेट्रा थायोनेट में चला जाएगा, इसमें SS बॉन्ड जो प्रेजेंट होगा। हाँ, SS बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसका स्ट्रक्चर ये वाला हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O O- और ये सल्फर, S डबल बॉन्ड O और ये O-। इसमें सर नंबर ऑफ अपन SS बॉन्ड अपन ये बात भी करते हैं, जितने सल्फर होते हैं N-1, हाँ उससे एक कम होता है सर, जितने सल्फर होते हैं उससे कम होता है, पी ब्लॉक में बात करते हैं जब सल्फर के ऑक्सी एसिड में पड़ते हैं। तो ये पूरी चीज में एक बार वापस रिपीट करता हूं, एक्सेस KI में किया, CuI2 बना, रैपिडली डीकंपोज हुआ और CuI और I2 बना, CuI की PPT है, एक्सेस KI में ये क्या हो जाती है, सोल्युबल हो जाती है। अब यहां ये सोल्युबल हो गया, इसका तो कोई कलर है ही नहीं, इसका कलर हमें नजर आता है ब्राउनिश ब्लैक PPT, जब इसमें सोडियम थायोसल्फेट डालते हैं तो ये I2I में जाना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका कलर गायब हो जाता है, डिसअपीयर, ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या होता है, तो क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है, बिल्कुल सर। तो इससे क्या रिगार्डिंग हमें प्रोसेस पूछी है उस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो इसको इसे रहने देते हैं, बोला है कि KI का अधिक के CuSO4 विलयन के साथ अभिक्रिया करता है, तो इनमें Na2S2O3 मिला देता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन इस अभिक्रिया के लिए असत्य है, इनकरेक्ट, ये भी ध्यान रखना है कि असत्य पूछा है। इवॉल्व्ड I2 इज रिड्यूस डेफिनेटली सर, बिल्कुल, क्योंकि अभी मैंने बोला था कि I2 रिलीज हो रही है, बिल्कुल, जैसे ही हमने मिलाया I2 किस में चली गई, I- में, तो I2 का क्या हो गया, रिड्यूस हो गई, कम हो गई, I2 कम हो गई, निकलना कम हो गई, बिल्कुल सर। फिर CuI2 इज फॉर्मड, तो CuI2 तो हमारे पास बन रहा, CuI2 तो बन ही नहीं रहा है, तुरंत किस में चला गया, इसमें आगे फर्दर टूट गया, हाँ फर्दर टूट गया, तो यहाँ हमारे यहाँ बोला है कि CuI2 इज फॉर्मड, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट नहीं है अपना, हाँ अल्टीमेट प्रोडक्ट नहीं है। फिर Na2S2O3 ऑक्सीडाइज,
ये तो Na2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, किस में जा रहा है, Na4S4O6 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो ही रहा है। Cu2I2 इज फॉर्म्ड, ये भी सही है बिल्कुल सर। Cu2I2, Cui को मैंने अभी पीछे बताया था, Cui को हम लिख सकते हैं Cu2I2। तो ओवरऑल कंक्लूजन हो गया कि Cu2I2 नहीं बनता है, तुरंत इसमें जाता है, इसको हम Cu2I2 लिख सकते हैं। इसका जब ये इसका रिडक्शन कर रहा है तो खुद का ऑक्सीडेशन हो ही रहा है, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो सर सेकंड हो गया, ये वाला आंसर होगा सेकंड वाला, सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, हां नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe+2 does not give Prussian blue color with K4FeCl6, but on its reaction with Ax, Prussian blue color appear with the reagent Ax. ये भी अभी आपने एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, उसमें Prussian blue टर्न ब्लू के बारे में बात की थी। ये देखो सर, ये है Fe+2 है, बिल्कुल सर, और इधर FeCl6 और ये -4 है, बिल्कुल सर। बोल रहा है कि ये Prussian blue color नहीं देता है, ठीक है ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि अगर मैं कोई इसमें Ax reagent डाल दूं तो ये Prussian कलर दे देता है। तो पहले तो सर थोड़ा सा हम Prussian कलर के बारे में, उस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है सर Fe4FeCl6 का होल थ्राइज। तो यहां हम ये देख पा रहे हैं कि ये तो +3 में है, बिल्कुल सर, ये -4 चला गया तो ये किस में आ गया, +2 में। ये भी अंदर वाला आयरन +2 में है, बाहर वाला +3 में। अब यहां हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ये भी +2 में चला गया, ये भी +2 में चला गया, तो हमें एक आयरन को +3 में लेके जाना पड़ेगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, तो हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में लेना, बिल्कुल। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां देखें तो Na4H+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑल ऑफ ट्रू नहीं है, H2SO4 हमें क्या दिया है, कंसंट्रेट है, डाइल्यूट है, कोई आइडिया नहीं है, अमोनिया भी दे रखा है, हां अमोनिया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता ही नहीं है। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट है एसिडिक मीडियम में, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा Na+2 में, और इस Fe+2 को कहां भेज देगा, Fe+3 में भेज देगा, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये Prussian ब्लू कलर का कंपाउंड बन जाएगा। इसमें सर एक क्वेश्चन मैंने देखा है, इसमें पीछे आएगा, एक इंप्योर ईथर लेते हैं उससे भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, हां, और अगर अपन जैसे सिंपल ऑक्सीडेशन इसका Fe+3 का अपन जैसे HCN के साथ में भी टेस्ट करवा सकते हैं, रेड कलर का कंपाउंड, हां ब्लड रेड सॉल्यूशन बनता है Fe+3 जो है, आप उसके बारे में बहुत ही शानदार चीज बताई सर, इसको मिटा दो सर, हां मिटा दो, ये बताया सर ने कि Fe+3 है ना, ये KSCN के साथ पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ इसके साथ कॉम्प्लेक्स देता है FeSCN का होल थ्राइज Ax H2O ब्लड रेड सॉल्यूशन, बिल्कुल सर। और सर इसकी खासियत क्या है, इस कंपाउंड में क्वेश्चन जब पूछा जाता था, पूछा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन, बिल्कुल सर, और इसका ये एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स होता है FeSCN का होल थ्राइज और H2O का होल थ्राइज मॉलिक्यूल भी होते हैं, हां, और ये +3 में होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये रेशियो पे डिपेंड करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा, ब्लड रेड सॉल्यूशन लाइट है या डार्क, तो ये हो सकता है, ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स हो सकता है, दोनों तीन तीन हो सकते हैं, बिल्कुल, दोनों दो और ये चार हो सकता है, एक और पांच हो सकता है, पांच और एक हो सकता है, ओवरऑल HCN और H2O लिगेंड के रूप में, हां लिगेंड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जनरली सर अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो अपन जैसे कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डॉट लगा के लिखते हैं तो अपने को पता है आयोनिक लैटिस में तो वाटर ही रह सकता है, अमोनियम में, तो उसको हमेशा अपन लिगेंड बनाते हैं, हां लिगेंड बनाते हैं। एक कॉपर वाला जो कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड कंडीशन में होता है तो अपन वो 5H2 में एक अपन वाटर क्रिस्टलाइज मॉलिक्यूल, हां एक क्रिस्टलाइन वाटर में लेते हैं। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सर आपने दी है, और ये तो ना ये सर ये क्वेश्चन तो ना आप ऑर्गेनिक का जो एनालिसिस है सॉल्ट एनालिसिस उसमें भी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी में आप जाओगे वहां ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पढ़ोगे वहां पे, तो ये अगर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सल्फर और नाइट्रोजन के साथ है तो वो यही बनाता है HCN बनाता है, और फिर Fe उसमें Fe+3 डालते हैं ना तो फिर ये ब्लड रेड सॉल्यूशन देता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ अपने को दे रखा है, इस पैराग्राफ में एक्चुअली क्या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट दे रखा है, इसका कलर भी अपने को दे रखा है येलो, एक सॉल्ट है उसका एक्वस सॉल्यूशन अपने को दिया है, और उसकी रिएक्शन जो डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 प्लस H2S और अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी अपने एक्सेस में ले रखा है, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी अपने को दे रखी है इसमें, तो एनीवे एक्सेस में ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, और इसमें कलर ऑफ सॉल्यूशन नॉट चेंज, और इसमें ग्रीन सॉल्यूशन मिल रहा है, टर्बिडिटी ऑफ सल्फर भी अपने को मिल रही है, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट एस इज अपने को हमें एस को आइडेंटिफाई करना है, बिल्कुल। तो सर एस को आइडेंटिफाई करना है तो Fe+3 में येलो कलर का होता है और Fe+2 में डर्टी ग्रीन कलर का होता है, ये डी ब्लॉक में जहां आयंस के कलर दिए हुए हैं वहां पे बात एनसीईआरटी में दिए हुए हैं,
यहां से अगर क्वेश्चन को मैं सोल्व करना चाहूं तो क्वेश्चन तो इजी वे में सोल्व हो जाएगा। मुझे APCL3 पहला ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं पहले ऑप्शन को रख के चेक करता हूं कि क्या ये कंडीशन फुलफिल होती है। बिल्कुल सर। तो APCL3 रखते हैं ना सर, तो APCL3 में Fe+3 में येलो कलर का होता है। बिल्कुल सर, लाइट येलो बोल दो या येलो बोल दो, और Fe+2 ये डर्टी ग्रीन कलर का होता है, मतलब लाइट ग्रीन कलर बोल सकते। अब हम कंडीशन देखते हैं कि Fe+3 में है सर। और डाइल्यूट H2SO4 बोल रहा है कलर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट चेंज, इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रही है यहां पे। बिल्कुल सर। और डेफिनेटली रिएक्शन होगी भी नहीं क्योंकि Fe+3 में रहेगा, डाइल्यूट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता भी नहीं है। बिल्कुल सर। कंसंट्रेट H2SO4 होता है, कंसंट्रेट बट काम और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था भी तो Fe+3 को और कितना ऑक्सीडाइज करेगा। देखो HNO3 अगर डाइल्यूट होता है तब बातें अलग हो जाती है, लेकिन डाइल्यूट H2SO4 के लिए अपन हां नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। तो यहां डेफिनेटली Fe+3 और ये तो यहां ये बन जाएगा Fe SO4 का whole thrice, तो Fe पहले भी plus 3 में था, अब भी plus 3 में ही है, तो color of solution कोई change होगा ही नहीं। बिल्कुल सर। cation हमारा same है। फिर यहाँ dilute H2SO4 और H2S दिया हुआ है सर, मतलब acidic medium में H2S दिया हुआ है, हमारे पास acidic medium में H2S दिया हुआ है। तो सर acidic medium में जब H2S दिया हुआ है ना, तो group first और group second दोनों के cation sulfide PPT बनाते हैं। ग्रुप फर्स्ट भाई हमारे पास थोड़ा समय बता देता हूं कि इसको मिटा दे, हाँ इसको मिटा दो, कि एक तो सिंपल H2S दिया, बिल्कुल एक H+ H2S दिया एसिडिक मीडियम में, हाँ एक H2S बेसिक मीडियम में दिया। तो यहां सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन की अगर बात करो ना, तो सबसे ज्यादा यहां पे है थर्ड में क्योंकि S-2 में है, बिल्कुल फिर फर्स्ट में है और फिर सेकंड में है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में कॉमन आयन इफेक्ट से सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां ये है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन जो सबसे ज्यादा बेसिक मीडियम में है, फिर न्यूट्रल में है, फिर एसिडिक मीडियम में। तो वहां हमारे पास रिएजेंट है डाइल्यूट H2SO4 और H2S, ठीक है सर। तो अब क्या है कि Fe+3 दिया हुआ है, बिल्कुल सर, और मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो है ना वो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के कैटायन है ना, वो इनके साथ सल्फाइड की पीपीटी देता है, बट हम ये देख पा रहे हैं कि Fe+3 थर्ड ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का है। तो यहां यहां Fe+3 तो नहीं दे पाएगा, बट ये सर ये S-2 है ना इसका, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर जाएगा। बिल्कुल सर। और Fe+3 को रिड्यूस कर देगा Fe+2 में, तो पहले Fe+3 Fe+2 में आएगा, उसके बाद S-2 के साथ ये रिएक्ट करके FeS की PPT बना सकता है, ब्लैक PPT यदि H2S एक्सेस में पास आउट हुई है तो, अदरवाइज ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और इसको Fe+3 से +2 में ले आएगा और बना देगा FeCl2 और खुद किस में चला गया, सल्फर में। और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है यहां पे, देखो ग्रीन सॉल्यूशन Fe+2 का, बिल्कुल सर, और टर्बिडिटी ऑफ सल्फर मतलब सल्फर की PPT, बिल्कुल। तो ये बात सही हो गई। फिर यहां बोला है NaOH एक्सेस में, एक्सेस में लिया, इसको साफ कर देते हैं एक बार। तो Fe+3 है ना वो NaOH ले लो एक्सेस में, या फिर मैं साइड में और बता देता हूं NH3 एक्वस ले लो, FeOH का होल थ्राइज रेडिश ब्राउन PPT बनाता है, ठीक है। और ये आगे सर एक्सेस NaOH ले लो तो भी इनसोल्युबल है, एक्सेस NH3 एक्वस ले लो तो भी इनसोल्युबल है, बिल्कुल सर। तो ये कंडीशन हमारी फॉलो कर रहा है यहां पे, ये जो Y है वो ब्राउनिश रेड PPT हमारे पास आई है। तो यहां बोला हुआ है कि FeCl3 हो सकता है। अब अगर मैं CrCl3 लेता हूं, बिल्कुल सर, तो एक्सेस में CrCl3 अगर यहां लेता हूं ना, तो CrCl3 CrOH का होल थ्राइज ग्रीन ग्रीन कलर का, जो एक्वस NaOH में भी सोल्युबल है, NH3 एक्वस में भी सोल्युबल है, वो दोनों में सोल्युबल हो जाता है, बिल्कुल सर। तो यहां हमारे पास Y, हम ऑप्शन के ऊपर देखें तो ये हो नहीं सकता क्योंकि Cr+3 का रिडक्शन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं, Cr+3 तो ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म है, बिल्कुल तो रिडक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहां आंसर तो FeCl3 चला जाएगा, K2CrO4 तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा +6 के अंदर है ये भी, क्योंकि आप K2CrO4 की येलो PPT है, येलो कलर का सॉल्यूशन है, H2SO4 डालोगे इसका एसिड बन जाएगा H2CrO4, क्रोमिक एसिड में चला जाएगा, CrCl3 नहीं आएगा, बोथ 1 एंड 2 आर पॉसिबल नहीं जी। आंसर इसका क्या आने वाला है, फर्स्ट आने वाला है, इसी पे आगे क्वेश्चन और है, इसी पेसेज पे आगे क्वेश्चन और है। येलो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ Y, Y के बनने के बाद का प्रेक्षण अपने को पूछा है, ब्राउन कलर का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता तो व्हाइट हो गया, आर्जिनेटिनियस व्हाइट हो गया, हां क्रोमियम के साथ में हाइड्रोक्साइड ग्रीन कलर का हो गया, Fe के साथ में। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज कहां हो सकता है, ब्राउन सॉल्यूशन ब्राउन PPT,
ब्राउन सॉल्यूशन और ब्राउन पीपीटी में। तो मैंने अभी बोला था रेडिश ब्राउन पीपीटी, एक्सेस एनएच में वो सोल्यूबल नहीं है, सोल्यूबल होता तो ब्राउन सॉल्यूशन आता ना। बिल्कुल सर, सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, व्हेन अ मिक्सर ऑफ एनएससीएल एंड के2सीआर2एसएम इज जेंटली वाउंड विद कंसंट्रेटेड एचएसएल, है ना, एस्टो सपोर्ट। ये रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, इसमें ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है ये रिएक्शन। हाँ, इसमें अपने को रेड वेपर रिवोल्ट ये सारे ऑप्शंस अपन चेक करते हैं, उसके लिए रिएक्शन अपन कंप्लीट लिख के बात करते हैं। हाँ, तो देखो इसमें क्या होता है सर, सिंपल सा टेस्ट है, Cr2O7-2 बिल्कुल सर, एच प्लस, और ये क्लोराइड आयन Cl- आयन होना चाहिए, मोस्ट ऑफ KCl हो सकता है या फिर NaCl हो सकता है। ये मैंने किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में मैंने इसको ले लिया, इस पूरे सॉल्यूशन को मैंने ले लिया यहाँ पे, ये इसमें लिया मैंने ये, तो ये मैंने सॉलिड लिया K2Cr2O7 और इसको मैं हीट करता हूँ, गर्म करता हूँ, तो एक रेड कलर की वेपर बाहर आती है, रेड कलर की वेपर, CrO2Cl, हाँ रेड वेपर, रेड ब्राउन बोल दो, रेड ब्राउन वेपर CrO2Cl2 जिसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड, ये क्रोमिल क्लोराइड है। अब इस रेड वेपर जो मिली ना, इस रेड वेपर को, रेड ब्राउन वेपर को NaOH सॉल्यूशन में डालते हैं, NaOH सॉल्यूशन जो कि ये कलरलेस है, जब ये वेपर इसमें आएगी तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा येलो सॉल्यूशन, क्रोमेट के बाद, हाँ नॉट ए पीपीटी, येलो सॉल्यूशन, और ये रिएक्शन है, रिएक्शन जो इन्वॉल्व हो रही है इससे बना CrO2Cl2, फिर हमने NaOH डाला OH-, OH- में इसके साथ ये बनाएगा CrO4-2, हमें पता है बेसिक मीडियम में क्रोमेट रहेगा, एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट रहता है, तो ये बना CrO4-2 और इसका कलर कैसा होता है, येलो। अब इसके बाद में आगे बता देता हूँ येलो सॉल्यूशन में, अगर आपके पास Pb+2 है, बिल्कुल सर, Ba+2 है, Hg+2 है, तो इनके साथ ही रिएक्ट कर लेता है, और यहां PbCrO4 की येलो पीपीटी, BaCrO4 की येलो पीपीटी, HgCrO4 की रेड पीपीटी, और इसके, हाँ और इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको Ca+2 दिया है या फर्स्ट ग्रुप का दिया है, Mg+2 दिया है, एक सेकंड ग्रुप में Ba+2 और Sr+2, और सेकंड ग्रुप का कोई भी कैटायन है कोई पीपीटी नहीं आएगी, फर्स्ट ग्रुप के कोई भी कैटायन है कोई पीपीटी नहीं आएगी, तो इनके साथ फिर ये पीपीटी बन जाती है, टेस्ट हो जाता है इनका। बिल्कुल सर, तो वो क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया हमें इसमें सर, एक चीज ये भी अपन, ये क्लोराइड आयन का टेस्ट है, इसमें अपन क्लोराइड के लिए जो हमेशा सॉल्ट आयनिक लेते हैं, हाँ आयनिक ही सॉल्ट लेते हैं, तो इसमें क्वेश्चन अपना, एक तो ये पहला तो ऑप्शन ये है, अ डीप रेड वेपर इज इवॉल्व, ये तो ठीक है, तो मैंने रेड ब्राउन वेपर बोल दिया तो सही है, सही, द वेपर्स व्हेन पास्ड इनटू एनएवर सॉल्यूशन गिव अ येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, ये बात भी ठीक है, सॉल्यूशन, हां सॉल्यूशन, हां ये भी सही है। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस इज इवॉल्व, सर ये तो क्लोरीन गैस तो कहीं नहीं आई अपने पास, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड इज फॉर्मड, ये तो इसीलिए क्लोराइड का नाम है, हां अपना आंसर तो सर अपना इसमें नहीं, ये अभी पूछा है, पूछा गया ये वन और मोर देन, अच्छा वन और मोर फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ये गलत है और ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो अपना 1 2 4 आंसर जय। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन सर अपने को वन और मोर देन वन वाला ही है, ए वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेंड व्हेन, एक सफेद अवक्षय प्राप्त होगा यदि, अपने को चार कंडीशन दे रखी है, चारों में चेक करना है कि कौन से में वाइट बनेगा, वन है ना, वन और मोर देन वाला अपने को है, तो ये तो सर सल्फाइड आयन का टेस्ट है, सल्फाइड आयन और ये BaCl2 पीपीटी रिएजेंट है, BaCl2 CaCl2 लेड एसीटेट AgNO3 ये पीपीटी रिएजेंट है, तो यहां बनेगा BaSO3 का और ये बन जाएगा व्हाइट पीपीटी, और यहां बाइसल्फाइड होता तो सोल्युबल कॉम्प्लेक्स सोल्युबल बनता, बाइसल्फाइड में सोल्युबल, सल्फाइड और सल्फेट दोनों में व्हाइट, हां व्हाइट, ये तो ये बन जाएगा, ये व्हाइट पीपीटी आएगी, तो पहले में तो बन रही है, ये तो करेक्ट है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, बिल्कुल, ये तो सर फेमस क्वेश्चन है, NaAlO2 और NH4Cl दिया हुआ ना, तो यहां भी बनेगा AlOH का होल थ्राइज, जो अभी आप पीछे बोल भी रहे थे, जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी साइड में NH3 बन जाएगा और NaCl बन जाएगा, ये स्टेटमेंट भी, ये भी सही है, H2S इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, ZnSO4 से जब अपन H2S पास करते हैं तो इसमें फिर ZnS का पीपीटी बन, हां ZnS का पीपीटी बन जाएगा, और ZnS का पीपीटी कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी होता है, अ सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट, तो ये भी ZnSO4 और Na2CO3 बन जाएगा, ZnCO3 जिसकी पीपीटी होती है व्हाइट पीपीटी, और ये तो फेमस है, जिंक का और है, केलेमाइन इसका नाम है, इसका नाम है, मेटलर्जी में भी पढ़ते हैं हम इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना वन और मोर देन आंसर रहेगा। ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एस्ट्रोसोपोर, डाइल्यूट एस्ट्रोसोपोर के साथ में रिएक्शन की बात चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव आउट अ गैस दैट टर्न एन एसिडिफाइड डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन। इसमें कौन से लवण, कौन सा जो लवण है वो तनु एस्ट्रोसोपोर के साथ में रिएक्शन करके एक सॉल्ट देता है, एक गैस देता है, गैस देता है। तो सर ये इसको ऐसे देख लेते हैं कि कोई गैस है और फिर ये बोल रहा है कि उसको एसिडिफाइड डाइक्रोमेट CR2O7 एसिडिक मीडियम और ये हो गया ऑरेंज कलर का। बिल्कुल सर। और ये जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है तो ये रिड्यूस हो जाता है CR+3। तो मतलब ये गैस कैसी होनी चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट होनी चाहिए। बिल्कुल सर। ये गैस कैसी होनी चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट होनी चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट होगी तो इसको रिड्यूस कर देगी, ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सर Na2CO3 में डाइल्यूट एस्ट्रोसोपोर डालोगे, बिल्कुल सर, तो हमारे पास H2CO3 बनेगा जो H2O और CO2 में, और CO2 तो सर रिड्यूसिंग एजेंट का होता नहीं, नहीं होता। Na2S में डाइल्यूट H2SO4 डाला, H+ डाला तो H2S है, तो H2S किस में जाएगा? खुद तो चला जाएगा सल्फर में, सल्फर। और यहां इधर क्या बन जाएगा? वही CR+3। तो ये दे सकता है, ये बिल्कुल आंसर दे सकता है। ZnSO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वही डाइल्यूट हमें H2SO4 दिया हुआ है, तो SO3-2 और ये 2H+H2SO3 बनेगा जो कि टूट जाता है किस में? SO2+H2O में, और SO2 भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इसके साथ भी ग्रीन आएगा। ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा SO4-2 में। ये पी ब्लॉक में सर एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, SO2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है, करती है। ये टेस्ट है ना CO2 और SO2 में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम। बिल्कुल सर। फिर APS है, तो APS के लिए तो अभी हमने पीछे पढ़ाई है, डाइल्यूट एस्ट्रोसोपोर हमने डाला है और बन गया था क्या? H2S, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो CR+3 में आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा सा घुमा के पूछा था जबकि क्वेश्चन बहुत इजी था। बाकी इसमें जैसे कई रिडॉक्स वाइज अपन बात करते हैं तो भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो हायर में जा सकता है, हां जा सकता है, रिड्यूसिंग का काम कर सकता है उस बेस को भी अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर अपन, ये भी अपना उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। फॉर द गिवन एक्वस रिएक्शन विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, अपने को ट्रू पूछा है। दी गई जलीय अभिक्रियाओं के संदर्भ में कौन से कथन सही है? ये अपने को एक रिएक्शन करके एक्सेस KI का आपने लिया है और ये पोटेशियम हेक्साथायनोफेराइट अपने को दे रखा है, डाइल्यूट H2SO4 साथ में ब्राउनिश येलो सोल्यूशन बन रहा है सोल्यूशन। तो ZnSO4 के साथ में रिएक्शन पे व्हाइट PPT प्लस ब्राउनिश येलो फिल्ट्रेट बनता है, फिर अपन आगे जो है वो सोडियम H2O3 के साथ में कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। तो इस रिएक्शन के बारे में पूरा देखना पड़ेगा फिर अपन। ये सर ये क्वेश्चन है ना, मुझे कुछ याद आ रहा है, ये शायद क्वेश्चन JEE एडवांस में आया हुआ है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली ये JEE एडवांस होपफुली मुझे जहां तक याद है 2015 का JEE एडवांस का क्वेश्चन है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें केवल उसने साल्ट एनालिसिस नहीं पूछा, उसने बच्चे का रेडॉक्स भी चेक किया, उसने बच्चे का कोऑर्डिनेशन भी चेक किया, उसने बच्चे की रिड्यूसिंग नेचर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाला ये भी चेक किया, और सॉल्ट भी चेक किया। बिल्कुल सर। तो देखते हैं क्या है कि एक्सेस KI K3 एफिशिएंसी। सर थोड़ा सा यहां देने की बात है कि KI दिया हुआ है एक्सेस में, बिल्कुल सर, ठीक है, और इधर आपके पास Fe है +3 में, डेफिनेटली ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको रिड्यूस करेगा, Fe+2 में जाएगा। जैसे अभी मैंने बोला था जैसे Cu+2 के साथ I- एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे Fe+3 के साथ भी I- एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, Cn- और HCN- के साथ Fe+3 एग्जिस्ट करता है, वो कॉन्सेप्ट यहां मत लगा देना। I- के साथ में स्पेस तो ये यहां पे क्या होगा, पहले बनेगा Fe3 और Fe3 तुरंत टूटेगा किस में? Fe2 और +I2 में, ठीक है, ठीक है। तो I2 तो आई रही है, अब हमें एक्सेस में KI दिया हुआ है, तो अभी मैंने बोला कि I2 एक्सेस में KI दिया हुआ तो क्या बनाएगा? Ke3। तो ये ब्राउनिश येलो सॉल्यूशन मैंने बोला था, ब्राउनिश ब्लैक पीपीटी, हां बताया भी था मैंने। तो यहां Fe+3 से +2 में आ चुका है, तो +2 का कॉम्प्लेक्स बना दो FeCN6 और ये -4 और साइड में जो बना आपके पास वो बना Ke3। अब ये तो सोल्यूबल है, बिल्कुल सर। तो ये ब्राउनिश येलो सॉल्यूशन मतलब इन दोनों का मिला के क्या आ रहा है? ब्राउनिश येलो सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या किया इसमें? ZnSO4 डाला, ZnSO4 डाला ना, तो ZnSO4 डालने से क्या होगा सर? तो यहां से एक तो ये चीज की यहां से आ गया ना, तो इसके बीच में रेडॉक्स रिएक्शन हुई है सर। बिल्कुल सर।
ये हमें ध्यान रखना होगा कि रेडॉक्स हुई है, मैं बोल रहा हूँ एफई प्लस थ्री ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, आई माइनस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो एफई प्लस टू में जा चुका, फिर एफई प्लस टू में कॉम्प्लेक्स बना, बिल्कुल ये वाला कॉम्प्लेक्स बना एफईसीएन सिक्स माइनस फोर, और आई टू जो रिलीज हुई थी वो एक्सेस के आई के साथ क्या बना रहा है के आई थ्री, फिर जेड एन एस को बनाना था तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, ठीक है, और ब्राउनिश येलो फिल्ट्रेट है, बिल्कुल, मतलब उसने जेड एन एस को डाला इस सोल्यूशन में, तो सर ये वो जैसे मैंने अभी बात की थी कि सी यू प्लस टू के साथ जेड एन प्लस टू के साथ एफीसीएन सिक्स माइनस फोर है ना, ये टेस्ट है पर्टिकुलर आयन के, जैसे अभी मैंने चॉकलेट ब्राउन बोला भी बात की भी थी अपने, तो यहां जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है ना, यहां बनेगा के टू जेड एन थ्री एफीसीएन सिक्स, आयरन अभी भी प्लस टू में ही है और ये वाला कॉम्प्लेक्स बनने वाला सर K2Zn3FeCN6, जो कि इसकी पीपीटी आई है व्हाइट पीपीटी, ये व्हाइट पीपीटी इसकी आ रही है, साइड में ब्राउनिश येलो फिल्ट्रेट बना है, तो ब्राउनिश येलो फिल्ट्रेट तो सर ये वाला हो गया ना, बात की भी ये के आई थ्री ब्राउनिश येलो फिल्ट्रेट हो गया, फिर इसमें हमने डाला हाइपो, तो इसका कलर ये वापस क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, जितनी आई टू थी इसमें आई टू और आई माइनस है, जितनी I2 है वो सब किसमें चली जाएगी I माइनस में। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, द फर्स्ट रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, करेक्ट बात है सर, ये तो व्हाइट प्रेसिपिटेट इज Zn3 FeCN2, नहीं व्हाइट प्रेसिपिटेशन आएगा बट फॉर्मूला यहां पे क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, K2 Zn3 FeCN2 तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर भी दो ही दे रखा, हां नहीं आयरन दो कोऑर्डिनेशन नंबर पे नहीं बनाएगा, तो ये वाला गलत हो गया, गलत हो गया, ये थर्ड देखते हैं, Addition of filtrate to starch solution give blue color. Yes sir. ये addition of starch, ये बोला है addition of filtrate. तो filtrate में हमारे पास क्या था? KI3 था. ये था filtrate में. KI3 में क्या है? I2 और I minus. I3 में ये तो है. अब आपने डाला इसमें starch. तो starch I2 के साथ complex बनाता है starch iodine. I2 जो कि डीप ब्लू कलर का होता है, बिल्कुल सर ये स्टार्च के टेस्ट है, बिल्कुल सर ये आयोडीन के साथ में जो स्टार्च का टेस्ट भी पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं ये आयोडीन के साथ, तो स्टार्च I2 के साथ डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो ये बोला है कि गिव ब्लू कलर, तो ये स्पेसिफिकली भी करेक्ट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन एनी वन सॉल्यूशन, जी व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका है, जिंक का, जिंक का, और जिंक का व्हाइट प्रेसिपिटेट NaOH में भी सोल्युबल होता है और एक्वस NH4OH में भी सोल्युबल होता है, जिंक का व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेशन है जो है वो जैसे हम ये पढ़ते हैं, एक बार जगह खाली कर लेते हैं, जी सर मिटाओ Zn प्लस टू और आप इसमें क्या दिया था, हमें ये डाला था NaOH, तो Zn प्लस टू आयन है उसमें उस कॉम्प्लेक्स में, भाई K प्लस भी है Zn प्लस टू भी है, तो आप NaOH डालोगे तो पहले तो बनेगा ZnOH का होल टू वाइट, जिसको आप बोलते हो व्हाइट पीपीटी, ठीक है, अब आप इसमें एक्सेस NaOH डालो या फिर एक्सेस NH3 एक्वस डालो, एक्सेस NaOH डालोगे तो ZnOH4 माइनस टू सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल, और NH3 डालोगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ZnNH3 4 प्लस टू प्लस टू, तो जिंक के हाइड्रोक्साइड को हम NaOH और एक्वस NH3 से सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर क्योंकि दोनों टेस्ट दे रहा है, सही तो ये बात सही है, तो क्वेश्चन को हम वापस से देख लेते हैं, एक सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बाकी फर्स्ट थर्ड फोर्थ सब इसी, ये देखो इसने हाइड्रोक्साइड या आप NH3 की प्रॉपर्टी NaOH की प्रॉपर्टी सब कुछ पूछ लिया, बाकी सारी इंफॉर्मेशन बच्चे को पता होगी तभी इस टाइप का क्वेश्चन वो ढंग से कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एल्युमिनियम सल्फेट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाने पर एक वाइट पीपीटी बन रहा है, कलर नहीं दे रहा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्स वन और मोर देन। अब इस क्वेश्चन में है ना सर, अगर बच्चा ये सोचता है कि हमें यहां सॉल्ट एनालिसिस की गुरुनीति करा दे सॉल्व आ जाए सॉल्व हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, पहले बच्चे को पूरा टॉपिक आना चाहिए, बिल्कुल सर, वो पहले पूरा टॉपिक पढ़े उसके बाद इसको देखें तो काफी हद तक समझ आएगी, क्योंकि ये और टॉपिक से हटके हैं, यहां हम पूरी चीज को एक्सप्लेन करना हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि साल्ट एनालिसिस कंप्लीट इनऑर्गेनिक है, बोले कंप्लीट ही है, सही बात है, तो सर ये तो सिंपल सा है Al प्लस थ्री है, Al प्लस थ्री में NH4OH के साथ AlOH का होल थ्राइज बनाता है जो कि व्हाइट पीपीटी होती है, अब ये व्हाइट पीपीटी है ना ये वाली एक्सेस NaOH में, अब यहां NH4OH दिया
अगर यहाँ NaOH भी देता ना तो भी पहले तो यही बनने वाला था, पहले यही बनेगा फिर M potassium reaction के basis पर। हाँ तो excess NaOH में तो ये soluble हो जाएगा AlOH4- और ये soluble, ठीक है। अब आप aqueous NH3 aqueous लोगे, NH3 aqueous लिया या NH4 OH लिया तो ये partial soluble होता है, partial होता है partial soluble होता है। अब देखते हैं हम कि X is white color compound, सही है, ठीक है। X is insoluble in excess NH4OH, सही बात है, insoluble ही है, पूरी तरह soluble नहीं हो रहा, बिल्कुल clear solution नहीं आ रहा, ले सकते हैं। Partial soluble को हम जब तक ऐसा statement नहीं बोले तब तक हम उसको insoluble मांगे। X is soluble in NaOH, सही बात है, ठीक है। X can be used in anti-acid, तो aluminium hydroxide तो anti-acid भी लेते हैं, magnesium hydroxide, aluminium hydroxide क्योंकि ये basic nature के हैं, तो anti-acid इसके लिए use में लेते हैं। ये fourth वाला statement chemistry ने रोड़े लाइफ organic वाले से वहाँ से connect हुआ है, तो चारों ही statement सही है। Next, next question है अपना, ये CrO2 Cl2 अभी एक reaction में product बना भी था, excess of animal solution के साथ में X बन रहा है, फिर Y reagent के साथ में Z PPT बन रहा है, तो ये अपने वो colored solution, ये यहाँ पे थोड़ा सा mistake हुआ है, यहाँ पे Ca था, ये CaNO3 है, ठीक है, CaNO3 जी सर, ठीक। तो यहाँ पे वही अभी क्रोमिन क्लोराइड है, यहाँ तो CrO4 माइनस टू बनाई है, बिल्कुल। Y रिएजेंट डाला तो कलर्ड सॉल्यूशन बन गया कैसा, येलो, येलो कलर का बन गया। फिर Y रिएजेंट तो Z की क्या बननी चाहिए, PPT। तो मैंने बोला सेकंड ग्रुप में Ba और स्ट्रोंसियम, स्ट्रोंसियम हो गया, ये रहा Ba सर, Ba प्लस टू आयन है इसमें, ये स्ट्रोंसियम, और PbB देगा, कैल्शियम नहीं देगा। Ag प्लस जो है ना वो उसको मैंने इसलिए रिमूव किया क्योंकि Ag प्लस है ना जो PPT है ना वो PPT उसकी क्लियर PPT आती नहीं है, वो मतलब हम उसको बोलते हैं पार्शियली सोल्यूबल बोल देते हैं, तो वो क्लियर PPT आती नहीं, तो कॉन्ट्रोवर्सी वाला था इसलिए थोड़ा सा इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पे कैल्शियम हमने रख दिया है। Ag की आप देखोगे तो कई बुकों में इसकी ब्रिक रेड PPT मिल भी जाएगी, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एनायन विल गिव कलरलेस एसिड वेपर या गैस विद कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्शन विद फॉलोइंग गिवन एनायन, ये कुछ एनायन सबके को दे रखे हैं और पूछा है कि कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में आपको ऋणायन जो रंगहीन अम्लीय वाष्प या गैस देंगे, क्वेश्चन सर बहुत इजी था, इसको इस कंडीशन में यहाँ पे आपको कलरलेस एसिड वेपर मतलब कलरलेस होनी चाहिए, एसिडिक नेचर की होनी चाहिए, दो चीज ध्यान रखो, कलरलेस होनी चाहिए, एसिडिक नेचर की होनी चाहिए। तो यहाँ तो H+ डालोगे तो विनेगर बन जाएगा, विनेगर एसिटिक एसिड की वेपर मिल जाएगी जो कि कलरलेस है और एसिडिक है, बिल्कुल कलरलेस है। Cl- तो सर कंसंट्रेट H2SO4 Cl- के साथ HCl दे देता है, ठीक है, तो यहां HCl बन जाएगा, ठीक है। यहां HBr नहीं बनता है, HBr तुरंत किसमें चला जाता है, Br2 में, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cl- का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, Br- का ऑक्सीडेशन कर देगा Br2 में, तो ये तो एसिडिक ही नहीं है और वैसे भी कलर्ड गैस है, आयोडीन को भी अपन यहां साथ में लेंगे। S- तो कंसंट्रेट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहां सल्फर की पीपीटी आएगी, बिल्कुल सर। SO3- इसमें अपने पास H2SO3 आएगा, फिर SO2 मतलब SO2 गैस आ रही है, बिल्कुल। BO3- 3 यहां H3BO3 की बोरिक एसिड की, बोरिक एसिड की वेपर आएगी जो कि कलरलेस होती है, एसिडिक होता है। NO2- NO2- पहले कन्वर्ट होगा H+ में HNO2 में, HNO2 डीकंपोज हो जाएगा H2O और NO में, NO तुरंत ऑक्सीजन से कांटेक्ट करके क्या बना देगा, NO2 बना देगा, और NO2 तो कलर्ड गैस हो, कलर्ड ब्राउन, तो ये नहीं आएगा, बिल्कुल। C2O4-2 कंसंट्रेट H2SO4 के साथ देगा CO2, CO2 और CO, दोनों ही कलरलेस है और इसमें CO2 एसिडिक नेचर की है। I के साथ क्या आने वाला है, I2 आने वाला है। तो अब वापस एक बार कलर चेंज करके बच्चे को बता देते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या था, एसिडिक कलरलेस, फर्स्ट दे रहा है, बिल्कुल एसिडिक है, ये कलरलेस है, व्हाइट फ्यूम्स ही आते हैं, एसिडिक भी है, व्हाइट को कलरलेस ही कंसीडर करते हैं। Br के साथ Br2 एसिडिक कंपाउंड नहीं है, नहीं होगा। S- -2 सल्फर की पीपीटी में चला गया, नहीं होगा। SO3- -2 SO2 दे रहा है कलरलेस, ये सही है। BO3- -2 H3BO3 दे रहा है, ये भी सही है। NO2- में NO2 आ रही है, ब्राउन कलर की गैस आ रही है, नहीं होगी। C2O4- 2 CO2 आ रही है, कलरलेस आ जाएगा।
I माइनस I टू चला गया नहीं आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो आंसर आएगा 5। जी सर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बेसिक रेडिकल दैट विल बी प्रेसिपिटेटेड विद एलएक्सपोर्ट सेल नेटवर्क एनएसथ्री, आपने वो बेसिक रेडिकल्स बताने हैं जो इसके साथ में अवक्षेप दे देता है, मतलब NH3 और NH4 Cl के साथ। तो Mg+2 Ca+2 बनेगा सर, तो Ca+2 का तो CaOH का जो हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो ये तो सोल्युबल होता है, सोल्युबल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्युबल, क्योंकि एक BeOH का होल ट्वाइस और MgOH का होल ट्वाइस, ये दो हाइड्रोक्साइड इनसोल्युबल होते हैं और सेकंड ग्रुप के सभी हाइड्रोक्साइड सोल्युबल होते हैं, ठीक है। Mg+2 के साथ बनाएगा MgOH का होल ट्वाइस, समझना ये वाइट है। फिर है Fe+3 के साथ अगर डालोगे तो वही बनेगा FeOH का होल ट्वाइस, जो कि रेड ब्राउन पीपीटी बोला है। Al+3 के साथ बनेगा AlOH का होल ट्वाइस, ये भी जिलेटिनियस वाइज पीपीटी है। Zn+2 के साथ बनेगा ZnOH का होल ट्वाइस, ये भी पीपीटी है। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि बेसिक रेडिकल दैट विल बी प्रेसिपिटेटेड विद NH4Cl एंड एक्वस NH3 प्रेसिपिटेटेड हो सकते हैं, तो अक्षेप देते हैं, तो ये भी दे रहा है, बिल्कुल ये भी दे रहा है। अब यहाँ पे अगर एक्सेस में मान के चलेंगे, बिल्कुल एक्सेस में लेके तो एक्सेस में मान के चलेंगे ना सर, तो ये एक्सेस में इनसोल्युबल रहेगा, ठीक है। ये वाला एक्सेस में मैंने बोला पार्शियली सोल्युबल है, इसको इनसोल्युबल में ले सकते हैं, इनसोल्युबल मिलेंगे, और ये वाला जो है वो एक्सेस में सोल्युबल है, Zn(NH3) का होल ट्वाइस 4+, इसको मैंने सोल्युबल बोला है, तो ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। MgOH का होल ट्वाइस एक्सेस में डालोगे ना तो कॉम्प्लेक्सिंग नेचर बन जाएगी, कंपाउंड तो ये रहेगा बट ये क्या हो जाएगा उसमें सोल्युबल हो जाएगा, सोल्युबल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिंग नेचर के कारण सोल्युबल हो जाएगा। तो यहां अपने पास केवल और केवल दो ऐसे केटाइन हैं जो पीपीटी देंगे, बिल्कुल सर। Mg+2 की पहले पीपीटी है पर एक्सेस अमोनिया में ये सोल्युबल हो जाएगा, सही बात। और ये पार्शियल सोल्युबल को मैंने बोला है कि हमें इनसोल्युबल ही कंसीडर करना है, ये इनसोल्युबल है और जिंक वाला सोल्युबल है, तो हमें ये पूछा है कि कितने केटाइन प्रेसिपिटेशन देंगे, तो दो ही देंगे, Fe+3 और Al+3। Ca+2 तो नहीं देगा क्योंकि इसका हाइड्रोक्साइड की पीपीटी क्या होती है, सोल्युबल होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ बेसिक रेडिकल्स अमंग द फॉलोइंग केटाइंस व्हिच कैन फॉर्म सोल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑन एडिंग एक्सेस ऑफ NH3। मिलता-जुलता एक क्वेश्चन है सर, सोल्युबल कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ में अपने को बात सोल्युबल, तो ये तो सर पहले तो बनाएगा CDOH का होल ट्वाइस, एक्सेस डालेंगे ना तो ये CDNH3+2 सोल्युबल बना देगा, ठीक है। पीबी ये बनाएगा PbOH का होल ट्वाइस, एक्सेस में इनसोल्युबल है, इनसोल्युबल। Ni+2 पहले तो बनाएगा NiOH का होल ट्वाइस, ये ग्रीन पीपीटी होती है, ठीक है, और एक्सेस में सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा निकिल के साथ NH3+6 और ये +2 सोल्युबल, सोल्युबल हो गया। Mn+2 जो है वो MnOH का होल ट्वाइस है, एक्सेस NH3 डालोगे तो इनसोल्युबल हो जाएगा, ठीक है। Zn+2 जस्ट लाइक एक्ट एज ए CD+2, दोनों की सेम नेचर होगी, तो ये भी सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये भी सोल्युबल बना रहा है, निकिल भी क्या बना रहा है, सोल्युबल बना रहा है। Ag+ तो बनाता है, पहले Ag2O बनाएगा, अभी मैंने बोला था कि Ag की सभी पीपीटी सोल्युबल इन एक्वस NH3 एक्सेप्ट AgI और Ag2S, ठीक है। तो यहां ये भी कॉम्प्लेक्स बना देगा AgNH3+2+, ठीक है। Hg+2 इनसोल्युबल होता है, ठीक है, ये नहीं बनाएगा। Fe+3 हाइड्रोक्साइड की पीपीटी अभी मैंने पीछे बताया इनसोल्युबल है, तो ये भी नहीं होगा। Mg+2 के लिए मैंने बोला था कि हाइड्रोक्साइड बनता है फिर ये क्या हो जाता है, सोल्युबल हो जाता है, बट यहां सर थोड़ा सा ध्यान दें, हमें ये बोला है सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, और मैंने इसके आगे MgOH का होल ट्वाइस लिख के छोड़ दिया था कि ये सोल्युबल है, और सर ये कैसे सोल्युबल है, NH3 लिक्विड के साथ लेकिन रहते हैं इस ब्लॉक में, तो ये अमोनिटेड केटाइन बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा,
तो इसमें यही बेहतरीन चीज है, क्वेश्चन की सुंदरता इसी से आई है कि यहां पे हमें कॉम्प्लेक्स पूछा है, ये सोल्यूबल तो होगा बट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, अमोनेटेड मैग्नीशियम बन जाएगा, बिल्कुल अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन भी बनेगा, हाँ अमोनेटेड एनायन और अमोनेटेड केटायन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4 है, तो ये 4 वाले देंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, फाइंड द, ये भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बेसिक रेडिकल अमंग द फॉलोइंग केटायन, ये तो वही आ गया, वही क्वेश्चन हो गया। In how many of the following reaction one of the product is obtained as a yellow precipitate? इनमें बनने वाले product में आपको direct check करना है कि कौन-कौन से reaction में yellow बन रहा है। जैसे सर, ये तो अभी हमने पीछे बात की है। बात हो गई थी बिल्कुल। BaCrO4 yellow होता है, तो इसकी तो बात की है। ये वाला जो यहाँ complex बनेगा, HgCOHCN और ये 4, और ये जो entity है ये वाली व्हाइट कलर की होती है सर। अब यहाँ Hg लगाओ, CO लगाओ, ZN लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये व्हाइट कलर की है, तो यहाँ जो है वो येलो पीपीटी नहीं बन रहा, पीपीटी तो बन रहा है। इसमें बच्चों में कंफ्यूजन भी होता है इसमें Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर, हाँ इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है कि एक्चुअली क्या है, Hg+2 में कंसिडर करते हैं इसको, जैसे यहाँ रिएक्शन में पता भी लग रहा है। तो ये वाला तो दे रहा है, ये वाला नहीं देगा। ये बिस्मिथ का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, ये पाइरोगेलोल दिया हुआ है, बिस्मिथ का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, पाइरोगेलोल यहां कॉम्प्लेक्स बनेगा BIC6H5O का होल थ्राइज, और ये येलो पीपीटी होती है, तो यहां भी येलो पीपीटी आ जाएगा, ठीक है। ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा सर, Mn+2 को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगी, ठीक है। तो ये MnO2 बनेगा, और MnO2 तो ब्लैक कलर का होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये नहीं आएगा। Zn+HP4, ये Zn+2 का टेस्ट है, तो यहां बनता है Zn3 PO4 का होल ट्वाइज, ये व्हाइट कलर का होता है, तो यहां भी येलो नहीं आया है, ये भी नहीं आया। और ये तो फेमस रिएक्शन है, ये तो अमोनिया का टेस्ट है, NH3 और 2NH3, और इसकी रिएक्शन कराते हैं H2PtCl6 से, तो बनता है NH4 का होल ट्वाइज PtCl6, जो कि येलो कलर का होता है, तो यहां येलो आएगा। इसमें अपने टोटल कितने आंसर जिसमें येलो आ रहे हैं, 1, 2 and 3, 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, फिर से इंटीजर टाइप का ये एक्वस सॉल्यूशन कंटेन, एक एक्वस सॉल्यूशन जिसमें ये वाले सारे आयंस हैं, आउट ऑफ दिस हाउ मेनी आयन विल प्रोड्यूस व्हाइट प्रेसिपिटेट विद डाइल्यूट HCl, एक सॉल्यूशन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, बिल्कुल सर, डाइल्यूट HCl फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट है, बिल्कुल सर, तो डाइल्यूट HCl में केवल फर्स्ट ग्रुप के जो केटायन है वो प्रेसिपिटेट होंगे। अब फर्स्ट ग्रुप में कौन है, Pb+2 है, Ag+ है और Hg2+2 है, तो डाइल्यूट HCl के साथ ये PbCl2 की पीपीटी बनाएगा, ठीक है, ये AgCl की पीपीटी बनाएगा और ये Hg2Cl2 की व्हाइट पीपीटी बना देगा, ऑल आर व्हाइट, सभी कैसी है, व्हाइट है। तो डाइल्यूट HCl फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट है, केवल फर्स्ट ग्रुप के केटायन को क्या करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, How many HCl molecule are obtained by heating 1 mole of hydrated ferric chloride? Simple सा question है sir. Hydrated ferric chloride ये होता है sir. FeCl3 6H2O. इसको हमने red hot heat किया है. ठीक है. तो respective oxide बनेगा. ठीक है. Fe2O3 और side में आपके पास HCl बन जाए. ठीक है. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि HCl कितने बनेंगे? ठीक. तो हमें पास 3 Cl है. तो HCl भी कितने बन जाएंगे? 3 HCl बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये थी सॉल्ट एनालिसिस की गुरुनीति, कोशिश की थी कि सभी टाइप के इसमें क्वेश्चन आए और ऑलमोस्ट हमने किया भी है, अच्छे से देखें। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट ना देख के पहले इसकी स्टडी करें, इसके टॉपिक को पढ़ें, नोट्स को पढ़ें और उसके बाद गुरुनीति देखें, तो आपको लगेगा कि काम हुआ है, ठीक है। और सभी को हमारी तरफ से जेई मेन के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आगे सीरीज चलेगी फिजिकल केमिस्ट्री की, मिलते रहिएगा, थैंक यू।